ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ। मैं दीप्ति उपल, डीसी कपूरथला। जैसे आप सबको पता है कि आजकल कोविड का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कंफर्म्ड केस कोविड का नहीं हुआ है, कोई भी डेथ कोविड से पॉजिटिव होके नहीं हुई है। तो ये एक अपील है कि किसी तरह का कोई पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिए। इसके अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं और ये ज़रूरी है कि हम सब वो प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करें। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ खड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली आपसे ये अपील कर रही हूँ कि काइंडली अपने घरों से सिर्फ कोई एसेंशियल सामान लेना है, जैसे ग्रॉसरी लेनी है या दवाइयाँ लेनी है, उसके लिए बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर पर ही रहें। कोविड से बचने के लिए मेन हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है। जितना हम कम मिलेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अगर कफ, फ्लू, इस तरह की कोई आपको दिक्कत लगती है, अपने डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। पहले टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए घर के अंदर, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिनों का है। तो 14 दिन अगर आपके ठीक निकल जाते हैं तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तबीयत बिगड़ती है तो हमने नेसेसरी अरेंजमेंट सारे किए हुए हैं, आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। अगर ज़रूरत पड़ी, कुछ ज़्यादा नंबर में हमें लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा, क्वारंटीन मतलब हमें उन्हें अलग एक जगह पे रखना पड़ा, बस वो भी सारे अरेंजमेंट्स हैं। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे नु पता है इस वेले पूरे वर्ल्ड दे विच कोविड 19 का प्रकोप जड़ा है वो फैला होया है। हर एक कंट्री जड़ा है इस दिन अफेक्टेड है। इंडिया दे विच भी कई सारी थावां हैगियां जिते उत्ते कोविड 19 दे पेशेंट जड़े हैंगे वो मिल रहे ने। बट जिन्ने पेशेंट सानू मिल रहे ने उस तो ज़्यादा रूमर जिहड़े हैगे वो मार्केट विच ज़्यादा आ रहे हैं। इस करके मेरी सारे लुधियाना वासियां नूं बेनती है कि किसी भी रूमर दे विच उन्होंने विश्वास नहीं करना है। सरकार वालों, एडमिनिस्ट्रेशन वालों जिहड़ी हिदायतां जारी कीतियां जा रही हैं उन्हां नूं ही सिर्फ फॉलो करना है। इहदे वास्ते गवर्नमेंट वालों एक बहुत वधिया ऐप भी जिहड़ा हैगा बनाया हैगा, वो एंड्रॉयड ते iOS दोनों दे उत्ते अवेलेबल हैगा। कोवा ऐप दे उत्ते लेटेस्ट इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी इस बीमारी दे बारे, इस बीमारी तों अफेक्टेड जिहड़े सस्पेक्टेड बंदे हैंगे या कन्फर्म्ड केसेस हैंगे उन्हां दी सारी डिटेल जिहड़ी हैगी इस ऐप दे उत्ते अवेलेबल है। इस दे नाल ही मैं जनता नूं ये बेनती करना चाहवांगा कि सरकार वल्लों जिहड़ियां एडवाइजी जारी कीतियां जा रही हैं कि हत्थ ना मिलाओ जां क्राउडेड प्लेसिस दे उत्ते ना जाओ, ईवन प्राइम मिनिस्टर साहब वल्लों भी जिहड़ी बेनती कीती गई है कि जनता करफ्यू जिहड़ा हैगा वो आप अपने वल्लों अपने वास्ते लगाउण वास्ते जो अपील कीती गई है उसनूं फॉलो करन और जिन्ना मैक्सिमम हो सके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਊਡਡ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਊਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ। All World Open Challenge 17-time gold medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, inna chora thagga to saavdan, specialist Vashikaran, sitta number, love marriage, pati patni ch anban, videsh ch pakka hona, karobar da na chalna, sirf 31 ghantiyan vich samadhan, free, Mia Rafiq Mohammed, mobile 84374 94647, 84374 94648।